अपने भीमताल विधानसभा क्षेत्र के ओखलकाडा ब्लॉक के साल ग्राम सभा में हूँ और यहाँ पर मेरे पूजनीय, मेरे आदर्श, मेरे मार्गदर्शक और शिक्षकविद और शिक्षक के रूप में जिनने हमको और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, चिरंजी लाल जी का आज 13वीं थी और उनकी धर्मपत्नी की भी आज 13वीं के रूप में स्वर्गीय माता जी देवकी देवी जी की भी 13वीं मनाई गई। और इस अवसर पर मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ क्योंकि स्वर्गीय चिरंजी लाल गुरु जी मेरे एक आदर्श थे और समाज के हर वर्ग के साथ मेल मिलाप बना के चलते थे और हर क्षेत्र में यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को हर क्षेत्र में सहयोग करने का कार्य करते थे। और एक शिक्षाविद के रूप में जब वो रिटायरमेंट लेने के बाद भी उन्होंने लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में सहयोग करने का काम किया और उनकी स्मृतियां हमेशा मेरे और मेरे साल गांव के लोगों की जहन में हमेशा रहेंगी क्योंकि उनकी जो यादें हैं, उनकी जो कार्यशैली है, उनके काम करने का जो तरीका है वो बखूबी उन्होंने हमको सिखाने का काम किया। निश्चित रूप से मैं भगवान से उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ कि भगवान ने दोनों महान आत्माओं को, स्वर्गीय मेरे गुरुजी चिरंजी लाल जी और स्वर्गीय मेरी मातृसमान देवकी देवी जी, आज भगवान के पास हैं और मैं उनकी आत्मा की शांति की कामना करता हूँ। और साल गांव के लोग, चाहे चिरंजी लाल मेरे गुरु जी आज भगवान के प्यारे हो गए हो, लेकिन उनके दोनों पुत्रों को और उनकी पुत्रियों को और उनके सगे संबंधियों को, उनके गांव के लोगों को, सबको मैं कहना चाहता हूं कि हम उनके पदचरणों पर चलने का काम करेंगे और उनने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चलेंगे और उनके जो भी अधूरे काम हैं उनके बेटों के माध्यम से, यहाँ के प्रधान जी राजू जी के माध्यम से और मेरे गुरु पवनदेव मां साहब भी टीचर हैं उनके माध्यम से और यहाँ के सभी शिक्षक वृंद जो भी रहे, रिटायर्ड कोई हो गए, कोई अभी शिक्षाविद यानी कि अभी रेगुलर शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, हम सभी लोग स्वर्गीय चिरंजीलाल जी के सपनों को साकार करने का काम करेंगे क्योंकि ये ब्रह्मांड में, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अजर और अमर जो रह सके, लेकिन सबको एक दिन जाना है और सब ने अपना घर बदलना है। लेकिन हम जो भी मनुष्य योनि में आके के अपनी यादों को छोड़ जाते हैं, उन यादों को इस पृथ्वी में हमारे लोग और हम लोग याद किए रहते हैं। इसलिए आप, मैं सबसे भी कहूँगा और उनके पुत्रों से विशेष कर कहूँगा क्योंकि आपके पिताजी ने समाज में एक अलग से एक पहचान बनाई थी, अलग से एक अलग जगाई थी और उनके सपनों को साकार, पुत्रों का कर्तव्य होता है कि उनके सपनों को साकार करें और हम भी उनके पुत्र के रूप में आपके साथ खड़े रहेंगे और क्योंकि उनको हम अपना आदर्श मानते थे। और मैं अपने पूरे साल गांव के लोगों से कहना चाहता हूं कि हम आज शोक के इस समय हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, आज उनकी पीपल पानी के रूप में उनका अंतिम पीपल पानी का दिन है और इसके बाद अब बरसी होगी, उसके बाद श्राद्ध होंगे और श्राद्ध भी साल में होते हैं तो इसलिए और धीरे धीरे उनके कामों को हम जितना हो सके आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उनके कई लोग, उनके जो जिनके वो गुरु रहे हैं एक शिक्षक के रूप में जिनको उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, कई उनके शिष्य हमें समय समय पर मिलते रहते हैं और उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो उनके बारे में जहाँ भी हमने आज तक सुना कि एक बृहद समाज सेवी के रूप में और एक शिक्षाविद के रूप में उनकी पहचान थी समाज में और समाज में एक अच्छा उन्होंने अपना स्थान बनाया था
और उनके जो यादें हैं उनको हम हमेशा बनाए रखेंगे और उनके मार्गदर्शन पर हम चल करके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उन दोनों महान आत्माओं की शांति के मैं कामना करता हूँ। ओम शांति।